गाइस, आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर धनिया पंजीरी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं धनिया पंजीरी बनाना। धनिया पंजीरी बनाने के लिए ये हमने नारियल का बुरादा लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये हमने बादाम लिए हैं थोड़े से, इसको हमने इस प्रकार से लंबाई में कट कर लिया है। थोड़े से हमने काजू लिए हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है, और एक छोटी कटोरी हमने फूल मखाने लिए हैं, और एक छोटी कटोरी हमने देसी घी लिया है, और एक बड़ी कटोरी हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। इसको मैंने घर पर ही पीसा है और इसे छान लिया है, और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने बूरा ली है। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है। सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। और ये हमारे फूल मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें इसमें निकाल लूंगी एक प्लेट में। अब मैं इसमें काजू डालूंगी। काजू भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं बादाम को भी रोस्ट कर लूंगी। और ये हमारे बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लूंगी मैं। ये हमारे तीनों चीजें अच्छे से फ्राई कर ली हैं मैंने। अब मैं बचे हुए घी में ये धनिया डाल दूंगी और इसे भी भून लूंगी अच्छे से मैं धनिया को। धनिया को हमें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। ये हमारा धनिया भुनने लगा है। अब मैं इसमें ये नारियल का बुरादा डालूंगी इसमें, और इसे भी इसके साथ ही भून लूंगी मैं। ये हमारा धनिया भुनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी मैं। मैं इसे ठंडा होने दूंगी, फिर उसके बाद इसमें मैं बुरा मिक्स करूंगी। तब तक मैं इसके दो टुकड़े कर लेती हूँ। इस प्रकार से फोड़ लूंगी मैं इसको, फूल मखाने को।
ये मैंने फूल मखानों को हाथ से क्रश कर लिया है। अब मैं ये इसमें धनिया के अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। मैं इसे गैस से नीचे उतार के मिक्स करूंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसमें ये बूरा डाल दूंगी और अब मैं इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। ये हमारी धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारी धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये हमारी धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे